तो बात कुछ यूँ है कि आज से कुछ साल पहले मैंने माइनक्राफ्ट खेलने की कोशिश की थी और मुझे इससे घटिया और बोरिंग गेम कोई और लगी नहीं थी। मुझे लगा था ये वो गेम है, ये कुछ टाइम के लिए ही बस चलेगी, उसके बाद ये है बंद हो जाएंगे, इसके सर्वर क्रैश हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत गलत था, क्योंकि मुझे जो है वो शूटिंग गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, वो मेरी फेवरेट गेम है, पबजी हो गया, इस तरह की गेम्स मुझे पसंद हैं। और मुझे जैसे एस्पलेडेट, कार ड्राइविंग, इस तरह की गेम्स मुझे पसंद हैं। लेकिन मैं उसके ऊपर कितनी वीडियो बनाई, लेकिन कुछ 20-40 व्यू, इतने ही व्यूज़ आते हैं। फिर मैंने सर्च किया इसके बारे में गाइस, तो मुझे पता चला कि इसकी जो जड़ है वो माइनक्राफ्ट ही है। माइनक्राफ्ट एक ऐसी ओपन वर्ल्ड गेम हो चुकी है कि आज इसको हर एक बंदा खेल रहा है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करें ना, तो आपको जो नए चैनल्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और उनके व्यूज़ जो हैं इतने क्रॉस कर रहे हैं, मिलियंस में आ रहे हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपको भी एक गेमिंग चैनल बनाना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी माइनक्राफ्ट ही खेलें, क्योंकि माइनक्राफ्ट खेलने से आपका चैनल एकदम ऐसे बूस्ट पकड़ेगा ना, ऐसे बूस्ट पकड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। जैसे अभी जो आपको लगता है जो फेमस गेम्स हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरज़ोन, ये जो नई गेम आ रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई। माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जो हर वक्त ट्रेंडिंग में रहती है, हर टाइम में जो इसके ऊपर व्यू आते ही रहते हैं। इससे ये होगा कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ेगा। इसके अंदर नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब जो है आपके पास ऐप भी आ गई है इसकी, माइनक्राफ्ट की। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इसको बहुत ही इजी के साथ खेल सकते हैं, और आप सर्वर के साथ बिना टोके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रूम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है मैप्स आपको देखने को मिलेंगे, हर चीज़ बनी बनाई आपको मिलेगी, और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में गाइस बहुत मज़ा आता है, और ऑडियंस भी यही चीज़ें देखना पसंद करती हैं। मेरा ख्याल था जो वो शूटिंग गेम के ऊपर था कि ज़्यादातर लोग शूटिंग गेम पसंद करते हैं, ज़्यादातर जो लड़के लोग होते हैं वो ज़्यादातर शूटिंग गेम पसंद करते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट जो है ना वो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रहता है। तो इसलिए माइनक्राफ्ट को भी आप लोगों को खेलना चाहिए गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका चैनल ग्रो करे। आप सोच रहे हो क्या कि आज कोई टॉपिक नहीं था तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि माइनक्राफ्ट जो है ना, अगर आप खेलेंगे तो वही जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके चैनल के लिए। मैं एक ऐप का आपको लिंक दूंगा गाइस, आप अपने स्मार्टफोन में उसको इजीली खेल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने नाइस ग्राफिक्स हैं, ये सारा सब कुछ बना बनाया आपको देखने को मिल जाएगा। आपने बस रूम को ज्वाइन करना है और आप देख पाएंगे ये कितने प्यारे प्यारे हाउस, जू, शॉप, हर चीज़ आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल जाएगी गाइस। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है गाइस, इसके लिए आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करनी है आपने और रूम ज्वाइन करना है, और रूम में आपने अपने निक नेम डाला है, और उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ पासवर्ड भी आप डाल देंगे ना, तो आपका रूम ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन गाइस जो मैं कर रहा हूँ ना, वो ये है कि मुझे मॉड्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जो भी गेम बनाता हूँ उसमें मॉड्स इंस्टॉल करना, उसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाकर आपके लिए लाना, मुझे वो पसंद है। लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो माइनक्राफ्ट की तरफ ही है, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। हालाँकि ये गेम मेरी इतनी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप क्योंकि सब लोग इसको देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है गाइस। वैसे ये भी एक अजीब ही बात है गाइस, क्योंकि ये जो गेम है ये काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लंबे अरसे में और आज की डेट में 2022 में इतनी नई नई गेम्स, इतनी फेवरेट्स गेम्स आई हैं, पसंदीदा गेम्स मेरी जो हैं, और भी बहुत ज़्यादा जो है ना गेम्स आई हैं, लेकिन इस गेम ने जो अपनी जगह बनाई हुई है, वो गेम आपको कोई इसी और गेम में नहीं देखने को मिलेगी। ये गेम एक ऐसी है ना जो कभी भी आप कह लें कि इस पर कम हो जाएगा व्यू या इसके ऑडियंस कम, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर टाइम इस पर जो है ना व्यूज़ आते रहते हैं गाइस। अगर आपको
भी है ना, अरिजीत सिंह बनना है ना, तो आपको भी चाहिए कि यही गेम खेलें। अगर टोनी कक्कड़ की तरह जो है ना आप दूसरी गेम खेलेंगे तो वो भी कुछ टाइम चलेगी, उसके बाद बंद, उसका फ़ायदा नहीं है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना नई ऐसी वीडियो आने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।